दीपावली का त्योहार खुशियां बांटने का त्योहार माना जाता है और इसी को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदर्श मानते हुए निगम भिलाई के वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने अपने वार्ड के सफाई मित्रों का सम्मान किया। दीपावली का त्योहार तभी सफल माना जाता है जब आप अपने घरों में दिए जलाकर रोशनी करने के साथ असहाय बेसहारा और गरीब लोगों के घर में भी दिए जलाएं और उन्हें भी दीपावली की खुशियां दें। ठीक ऐसा ही एक प्रयास निगम भिलाई के वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने किया है। उन्होंने अपने वार्ड में कार्य करने वाले सफाई मित्रों का सम्मान रविवार को अपने कार्यालय के समक्ष किया, जिससे सफाई मित्रों के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी और उन्होंने अपने मुक्त कंठ से अपने वार्ड पार्षद की जमकर सराहना की और सत्या देवी जायसवाल को ढेरों आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी दी और कहा कि विगत 14 वर्षों से वह इसी वार्ड में सफाई कामगार के तौर पर कार्य कर रहे हैं, परंतु इससे पहले कभी किसी ने इस तरह का सम्मान नहीं दिया। वार्ड की पार्षद सत्या देवी जायसवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानती हैं और ठीक उन्हीं के बताए रास्ते पर चलना भी पसंद करती हैं और यही कारण है कि उन्होंने अपने वार्ड के सफाई मित्रों का सम्मान उपहार देकर किया। अच्छा पार्षद है, मस्त बधाई दी है दिवाली के, हम अलग खुश करे है। हाँ आशीर्वाद है, नहीं नहीं और पद मिला है, मस्त अच्छा से बढ़िया खुशी से पार्षद मस्त रहे और वो कर पास से हम मन लेवर मन। आज आप लोगों का सम्मान हुआ है, पार्षद मैडम ने सम्मान किया, क्या कहना चाहेंगे? सब ठीक है। आप लोगों को दिवाली की बधाई मिली है? हाँ मिला है। इसके पहले कभी ऐसा हुआ था? नहीं। कितने साल से काम करते आ रहे हो? 12-13 साल हो जाए। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा सम्मान नहीं किया? नहीं। उद्देश्य यही है भैया कि हमारे देश में, भारत देश में दीपावली पे जैसे कि हमारे कोई रिश्तेदार हैं या हमारे कोई कजन भी आए या हमारी कोई दोस्ती अच्छी है और हमारे लिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम सबको उपहार देना बहुत पसंद करते हैं और उपहार हमारे भारत देश में दिया भी जाता है तो उपहार देना भी चाहिए। और हमें जो हमारे सफाई मित्र भाई हैं और जो हमारी बहनें हैं, ये सुबह से उठ करके अपने घर की फिक्र ना करते हुए, बाल बच्चे उनके घर में रहते हैं और भी मतलब परिवार है, लेकिन उसकी फिक्र बिल्कुल भी ना करते हुए हमारे वार्ड के लिए सुबह से उठ करके 12 घंटे की ड्यूटी निभाते हैं वो लोग। पूरे रोड की सफाई करना, नाली की सफाई करना, घर घर पहुंच कर कर घर का कचरा उठा के ले जाना, तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे अच्छा काम तो कोई हो ही नहीं सकता और इतना अच्छा काम कोई दे भी नहीं सकता है। इनके काम से हम बहुत खुश हैं भैया और इस काम से प्रभावित होकर के भी और हमें हमारे वार्ड वासियों के लिए भी और हमारे वार्ड से जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं इनके लिए ये जो काम दिखा हमको ये बहुत अच्छा लगा, ये सराहनीय है, इसलिए हमने और हमारे दिल में ये चीज़ थी कि हम अपने मित्र भाइयों को, सफाई मित्र भाइयों को गिफ्ट जरूर देना चाहेंगे, इसलिए आज हमने छोटी सी ही गिफ्ट है पर सौगात उनको दी और दिवाली के लिए हमने ये उनको शुभकामना दी कि हैप्पी दिवाली बोला और वार्डवासियों के लिए भी, सारे वार्डवासियों के लिए भी हमारी यही शुभकामना है। लक्ष्मी माता से हम यही मांगते हैं कि सारे वार्डवासियों के घर में जो भी उनकी मांग है वो पूरी हो और सुख समृद्धि आए उनके घर में माँ लक्ष्मी से, हमारी यही दुआ है, यही विनती है और सारे वार्डवासियों को शुभकामना दीपावली के, हैप्पी दिवाली। और सफाई मित्र भाइयों का हमने तो जो सम्मान यहाँ किया वो तो छोटा सम्मान है, लेकिन बनारस में जब श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे बनारस में तो वहाँ पे सफाई मित्र भाइयों का पैर धो करके उन्होंने उसको अपने माथे से लगाया। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा काम कर सकते हैं तो मैं तो उनकी एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ तो हमें ऐसा काम तो करते ही रहना चाहिए। और आप सबको पता नहीं होगा शायद, जिस शहर से नरेंद्र मोदी जी आते हैं उसी शहर से मैं भी हूँ, गुजरात की रहने वाली और गुजरात से ही श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, तो आप सबको आज हम अपना परिचय भी दे रहे हैं। एक बात तो सच है, आपकी खुशियाँ उस समय आसमान पर पहुँच जाती हैं जब आपकी वजह से कोई और खुश होकर हंसता मुस्कुराता है। वार्ड 30 के सफाई कामगार अपने सम्मान को शायद कभी ना भूल पाएं, क्योंकि आज उनकी वार्ड पार्षद ने सभी का सम्मान करके वार्ड के सफाई कामगारों को खुशियां प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।